कमी मत कीजिए। प्रेम से बोले मैया शोर वाली की। हेलो सदा भवानी दाहरे शनमुख रहे नगरे आतीन नव मिले रक्षा करो मर्मा वैष्णु है काली है कल काटे वाले भागल पर भगवती मैया काली है कल काटे वाले भागल पर भगवती मैया अदर भंग में दुर्गा विराजे उनका चलता तो भैया जय हे मैया सरस्वती विनय करूं कलज जय हे मैया सरस्वती विनय करूं कलज गुरु का नाम सुमर के करता हो मैं लीला जिस गुरु का नाम सुमर के करता हो मैं लीला अघर पावे महिषी मुजफ्फरपुर है जिला आज बसंति का त्योहार बड़ा होता है आज बसंति का त्योहार बड़ा होता है जो चाहे मन से गुलजार बड़ा होता है कंपनी का नाम सुनिए सजना मन में लगा कर ध्यान कंपनी का नाम सुनिए सजना मन में लगा कर ध्यान एक राम परवेश भगत जी है महसी बाब मक्का कहते राम पर भेद भगत जी आला मसी का है मत वाला कहते राम पर भेद भगत जी आला मसी का है मत वाला अकान में कुंड चोभ है गला बजाती माला कहते रविंद्र शर्म गलो मुर्दिवा कह मत वाला कहते रविंद्र शर्म गलो मुर्दिवा कह मत वाला अकान में कुंडल शोभे गला बजाती माला नाटक का नाम सुनिए सजना मन में लगा कर ध्यान नाटक का नाम सुनिए सजना मन में लगा कर ध्यान सती कौआ हगनी नाटक खेल सच करत ज्ञान
तो लीजिए सजनों, आपके बीच नाटक रखा गया है सती कौआ हकनी सुंदरवन का फूल। कृपया शांत बना बैठे रहे और हमारे कमरे के ड्रामा देखें। हेलो रूपन हरे रूपन चलिए शांति बनाइए क्योंकि हमारी कंपनी आप लोग की सेवा में उपस्थित है और अभी से लेके सुबह 7 बजे तक के उपस्थित रहेंगे। और हमारे कंपनी जो ड्रामा जो रखी है, कृपया आप लोग ध्यान से उसको शांतिपूर्वक देखें और आनंद उठाएं। कोशिश करेंगे जो कहीं से कमी नहीं हो, अगर यदि थोड़ा कमी हो जाए तो बच्चा समझ के हमें क्षमा करेंगे। ए 14 कोस की राज्य सोनापुर शहर कहते हैं, 14 कोस की राज्य सोनापुर शहर है। हमारे पास महाराज है, 6 पटरानिया है। मैं 14 कोस की राज का मैं एक दरबारी हूँ। अभी अभी हम तुरंत कहाँ से आए थे, सिमरिया से, रोसरा से आए थे ना, रोसरा से आ रहे थे तो हमारे महाराज ने फोन किए। महाराज फोन किए लेकिन अभी तक के महाराज को पता नहीं है, लेकिन लगता है कि ये आते ही होंगे। चलिए सुना से प्रणाम महाराज, खुश रहो। द्वारपाल जी महाराज कहिए, तुम्हें कुछ मालूम है या नहीं? हमको अपना मामू कहाँ है? रे हरमजादे, उल्टा सुलटा अगर बोलना चालू किया मार के मैं बदन की चमटा दूंगा मैं तुम्हें। ए बताओ, मेरा 14 कोस के राज रहते हुए, 6 पटरानिया रहते हुए, भगवान हमें एक भी संतान नहीं दिए, ये बताओ ये सोनापुर का राज मेरा कैसे चलेगा? ए बस सही कहे महाराज, बताओ 14 कोस की राज आपके पास में है, आपके पास में महाराज 6 पटरानिया है, लेकिन अभी तक के एक भी आपको शैतान फायदा नहीं लिया है। हेरम जादे क्या बोला रे? गलती बोला गले। क्या बोला? गलती बोला गले। शैतान संतान। हेलो मास्टर शराब खाने में साल सौकत बढ़ गया, काम न करता तुम कुछ दर मार का, झूठ बोलने में फटता जिगर घी नहीं, कभी लाऊं न बिस्मार
मान लो जो कहो से करा नहीं तो इसका मजा चखा दूंगा मैं किसी तार से तुझे जान भैरव से नाम दुनिया से तुमको मिटा हैरम जादी कह रोता है रोता क्यों है हमें बताओ अब तो अभी दरबार में काम कर रहे थे अच्छा तब हमको मारते हैं क्यों बोला गलत सब बोला गया हमारा गलती हो गया अच्छा गलती हो गया अब ना कहियो बोला नहीं ना गलती होगा अभी से अभी नहीं अच्छा ये बताओ मेरा राज कैसे चलेगा बताओ बताओ महाराज ये राज भी चलेगा और सब काम भी होगा अच्छा बताओ महाराज आपने नित दिन सोच के उठ के नहा के आपने माँ दुर्गा के पूजा करते हैं महाराज ये तो बात तुम सही कहा मैं नित दिन सूत उठ के स्नान ध्यान करके मैं माँ दुर्गा को पूजा करता हूँ हाँ महाराज क्यों नहीं महाराज चल के माँ के मंदिर में अच्छा उनसे पूछा जाए कहीं कोई रास्ता अगर निकाल देंगे अच्छा तो इसका बात का परिणाम बहुत अच्छा होगा महाराज ठीक है चलो तुम्हें कहने के अनुसार मैं चल रहा हूँ माँ दुर्गा के मंदिर में हेलो Thank you.
मैं आपके दरबार में कुछ विनती लेकर आया हूँ, कुछ आराधना लेकर आया हूँ कि माँ हमें आप सफल बनाएंगे। सुनो राजा, तुम किस लिए यहाँ आए हो? मुझे कहके बताओ। ठीक है माँ, मैं समझूंगी। मैं अभी कह के सुनाता हूँ माँ। आखे खबर क्या रखल है लते ए बीमार आय है चौथा को सके आई राजा बाय है दे ए बीमार की राज रहते हुए और घर में छे महारानी रहते हुए लेकिन एक एक बाल गोपाल पैदा नहीं किया। नहीं, इसलिए नहीं आयो मेरी मंदिर के पास। माँ आप तो अंतर्यामी हैं, आप खुद जानते हैं कि मेरे प्यास क्या कमी है। माते सुनो राजन, यहाँ से जाओ काशीपुर। काशीपुर में बहुत विद्वान पंडित है। अच्छा, वही आपको हाथ के भाग रखा का। अच्छा, और वही सब बताएगा जो आपके बाल गोपाल होगा कि नहीं होगा। ठीक है माँ,
मैं काशी जी से पंडित को बुलवाऊंगा और मैं अपने हस्तरेखा दिखवाऊंगा। ठीक है माँ, जब आपकी कृपा से, प्रभु की कृपा से अगर हमें बाल गोपाल हो गया तो मैं सोनापुर में सोने का मंदिर बनवाऊंगा। तो ये इस सीन को देखते हुए आगे हमारे पांचू पासवान जी, उनके तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया है। उन साहब का मेरी कंपनी को से लाख लाख शुक्रिया है। तो ये उन साहब को मेरी कंपनी को से लाख लाख शुक्रिया है। ठीक है माते, मैं काशी जी से पंडित को बुलवाऊंगा और अपने हस्त रेखा दिखवाऊंगा। माँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। माँ खुशी रहो, खुशी रहो। ठीक है माँ, आप अपने मंदिर के अंदर प्रवेश करें। द्वारपाल जी महाराज कहिए। जुल्मे सिंह सिपाही को बुलाओ। ठीक है, जुल्मे सिंह जी हो, हो जुल्मे सिंह। प्रणाम महाराज। खुश रहो द्वारपाल, आखिर बात क्या है सुना? महाराज सोना सिंह आपको याद किए हैं। जुल्मी सिंह जी महाराज याद किए हैं, अभी तुरंत बुलाए हैं कचहरी। मैं महाराज का आदेश पाल हूँ, चलो क्यों नहीं जाओ। चलिए जुल्मी सिंह जी चलिए। द्वारपाल आगे लंच जुल्मी सिंह जी। खुश रहो जुल्मी सिंह। जुल्मी सिंह मैं बताऊंगा, आ जाती
बताऊंगा जुल्मे सिंह तुम्हें किस लिए जाना है। आज पुराना करिया ओरा आजा जी ओ आज पुराना करिया ओरा आजा जी इतने कर हालिया दियो मोरा पा चाहियो रे ए मेरो आ तने यो रजिया हो जुलबी तुहरा ते रख लई हो जुलबी तुहरा ते रख लई हो जुलबी बोले जुलबी खो कहलर फाला हमर मन रे मेरो जुलमे से महाराज हां आखिर काशीपुर जाने की कारण क्या बनती है यह कौन सुनाए महाराज। जुलमे सिंह तुम यहां से चले जाओ काशीपुर नगरी और सबसे बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान पंडित जी होंगे उन्हें लेकर आओ। मैं अपने हस्तरेखा दिखवाऊंगा अपने हाथों का कि चौदह कोस के रात रहते हुए छह पटरानियां रहते हुए इस सोनापुर में एक भी बाल गोपाल क्यों नहीं हुआ थे रानी से। महाराज आपका मैं आदेश पाल हूँ क्यों नहीं जाओ मैं जाने की तैयार हूँ। आप स्वयं जानते हैं सिपाही जुल्म सिंह जिस काम से जाता है वह कार्य की सफल करते हुए आता है। जबस जुल्म सिंह जाओ और सबसे बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान पंडित होंगे उन्हें लाना और तुम्हारे साथ मेरा लौकर जो है वो भी जाएगा। ऐसे तौर पर जुल्मे सिंह के साथ तुम भी जाओगे काशीपुर नगरी समझ गया। ठीक है महाराज मैं और जुल्मे सिंह जी दोनों आदमी जाता हूँ काशीपुर। हाँ मतलब विद्वान पंडित जी को खोज के लाना यही बात। हाँ लेकर आओ खुश रहो। ठीक है द्वारपाल। हाँ जुल्मे सिंह जी द्वारपाल चलो चलो चलने की तैयार हो जाओ। चलिए जुल्मे सिंह आ जाओ चलिए आइए। हाँ
हेलो, मैं काशी की पंडित, काशी की पंडित मैं पढ़ा हुआ बेजोर हूँ और मैं कुछ रास्ते में गाते हुए चलूंगा। काशी के यही देखो सेल बोर्ड में लिखा हुआ है या काशीपुर नगरी है, बोर्ड में लिखा है, ये तो लिखा हुआ है जुल्मी सिंह जी। हाँ, लेकिन सब और आगे टोला है, वो टोला बुझा रहा है, ब्राह्मण की टोला है। जाओ तुम जाओ, था लगा के आओ, जो काशी जी में अच्छा से अच्छा विद्वान पंडित जी महाराज हो, कौन है शास्त्र वेद की जिन्हें जानकारी हो जी, ठीक है, उनसे हमको जरूरी है। जाओ ठीक है, जब तक आप चाय पीजिए हम तुरंत पता लगा लगा। हेलो, अरे तरीके ये बताइए, क्या क्या बता देने, हमको कहाँ जाना है, तुमको तुमको कहाँ जाना है, मैं क्या जानता हूँ शैतान कहाँ की। सुनिए, हमको काशीपुर जाना है, काशीपुर जाना है, बस रास्ता ये पकड़ो और चले जाए बांध कसोगे तो काशीपुर नगर उसी बांध का उस पार में, मतलब काशीपुर नगर बांध के उस पार में आ जाओ। ठीक है, बढ़ते हैं। हेलो, ओ क्या हुआ है, इधर आइए, क्या बात है, बोलो। देखिए बोलो, हम काशीपुर इसलिए आए हैं जो सबसे पढ़े लिखे हुए अच्छा विद्वान पंडित जी से हमको काम है। चलो, काशीपुर में पंडित जी, एक ही वो पंडित का घर है काशीपुर में, और इस बोर्ड में पढ़ कर देख लो कि कौन नगर है काशीपुर, कौन नगर है, देखो पहले बोर्ड पढ़ कर। वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन ये बताइए उनसे आप भेंट नहीं करा दीजिएगा, पंडित जी महाराज से। पंडित जी महाराज से कौन काम है बताओगे तब तो। काम है, क्या काम है, क्योंकि हमारे महाराज को लेखा रेखा देखना है, हाथ की रेखा देखना होगा। हाँ, बहुत अच्छा बात है, काशी का पंडित मैं हूँ, समझते हो, देखो चेहरा देखो। अभी बस मैं काशी के पंडित मैं हूँ,
अभी मतलब कि ये काशी के रंडी जी महाराज बोलो पंडित जी महाराज हमारा नीचे ने छोटा कहा के वो पंडित जी महाराज हाँ रुक जाइए रुक जाइए कलर छोड़ दीजिए ठीक से बोलो तो याद कर दो क्या हाथ में रखते हो कलर छोड़िए मजाक ठीक कर लगे हाँ ना ना ठीक है कलर छोड़ जुलमी सिंह जी हेलो 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 बोलो पंडित जी महाराज मिल गए मुलाकात हुए जी हाँ चापस चापस बहादुर हेलो पंडित जी महाराज का चरणों में प्रणाम पंडित जी महाराज का चरणों में प्रणाम दीजिए मुझे आशीर्वाद आप ये बताइए कि आप हमारे ये राज में एक चोर छोटा को ले आए हैं यहाँ क्या हुआ हम बाप से बात करते हैं उस साला हमको फाकी जी हाथ घुस जाता है बताइए ओ चोर नहीं है पंडित जी ओ लुच्चा है हमको फाकी जी हाथ देता है चोर ने तो क्या है खैनी खाता है खैनी ढूंढता होगा तो समझा लीजिए तो उसका मिजाज ठीक कर लेंगे कटा टा मारेंगे ठीक है मैं समझा लूंगा ए क्षमा की परार्थी मैं हूँ ठीक है भला राजा क्या कहना है कह सुनाइए महाराज पंडित जी महाराज सुनिए Yeah!
चलना सोना पुराना गरिया हो चलना चलो पंडित जी सोना पुराना करियो मेरे मेरो महाराज याद जुलवे सिंह है आप हमारे आए हैं क्या आपकी महाराज से हमको हाथ की रक्षा रेखा देखना होगा पंडित जी महाराज हाँ हमारे महाराज कहे हैं जो चाहिए आप कहीं से भी अच्छा से अच्छा अच्छा विद्वान शास्त्र पुराण की देखने अध्ययन करते होंगे ऐसा ब्राह्मण मुझे सामने हाजिर कीजिए महाराज मैं आपके साथ चलने के लिए स्वीकार करता हूँ चल आइए आइए क्या हुआ पंडित जी क्या हुआ जी रहल क्या हुआ सोचा क्या करता है अब भागे शैतान ये बताइए पंडित जी के बराबर हलाल करता चुपचाप जो भी बोला के ले जाता हूँ भागा अगर नहीं जाएंगे तो इनको हम काट जाएंगे चलिए 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 आइए आइए ये हमसे गलत हुआ आइए कहे ना बुर्बक है बुर्बक है चलिए 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 प्रणाम महाराज खुश रहो जन्म से क्या पंडित जी महाराज को लेकर आया महाराज मेरा ही नाम लोगों कहते हैं सिपाही जन्म से वाह शाबाश आप सिपाही भी रखा चुन के रखा और मेरा पूर्वज भी नाम रखे तो चुन के चुलमी चापस चलब थे लेकर आया पंडित जी महाराज है कहा महाराज है पंडित जी महाराज को स्वयं बुला के आपकी दरबार में हाजिर किया ठीक है बताइए हमको तोड़वा है पूछता है भागा पे हाथ हटाइए ओ जुलमी सिंह जी हमरा उनका सब मंगा दू क्या मंगा दे पपीता अरे शैतान पपीता रख ले हम चोरा पपीता खाए दे पपीता पंडित जी पपीता रे कहाँ है कहाँ पपीता है हम तो के देख लिया ही हो ये बताओ सच्चा के आगे से लटका लेता सच्चा तुमको है कि नहीं देखो इसको छोड़िए ना इस साले का पपीता खिलाते आओ ही लीजिए महाराजा ठीक है जुलमे सिंह आप थोड़ा सा साइड हो जाए Thank you.
आपके पास 14 कोस की आज है और 600 पटारी रहा करती है, लेकिन किसी महारानी से एक भी संतान पैदा नहीं। क्या पंडित जी महाराज, पहले सुनिए मेरे बात। 14 कोस के राज रहते हुए, अच्छा 6 रानियां रहते हुए, भगवान हमें एक भी संतान नहीं दिए। ए बताइए, ए राज मेरा कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? अरे राजा, नसीब में पुत्र लिखा है या नहीं लिखा है? राजा, मैं पहले आपके हाथ की रेखा देखूंगा कि आपके हाथ की रेखा में संतान लिखता है या नहीं लिखता है। ठीक है महाराज, आप मेरे हाथ की रेखा देखें। राजा, मैं हाथ की रेखा में देखता हूँ कि संतान आप तो लिखता है महाराज। सुनिए मैं बताता हूँ। क्या बताइए? राजा
अच्छा बोलिए बोलिए लिखता है अच्छा छह प्रणाली है उससे संतान आपको पैदा नहीं देगा लेकिन आपको सतमा शादी लिखता है और सतमा शादी जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आपको एक भी संतान पैदा नहीं देगा। ठीक है पंडित जी महाराज, मैं आपको कहने के अनुसार मैं सातवां शादी करूंगा। बताइए उसको भूतुआ। अरे हवन का है, हवन कुंड है, उसको बताया थोड़ी जाए। महाराज मैं सातवां शादी करूंगा। कैसी लड़की साहब को शादी दिखता है? महाकालीन की लड़की, जय लड़की। अच्छा तो देर पर बस्त नहीं होगी, खाने में पेट में अन्न नहीं दाना नहीं होगी। अच्छा फूट फाट मांगे खाती होगी, फूट पर सोती होगी। पैसा किसे आपका शादी लिखता है? अच्छा अच्छा मैं समझ गया। ठीक है पंडित जी महाराज, मैं वैसा ही लड़की से शादी करूंगा, लेकिन जब तक मैं सातवां शादी कर न लूं, अच्छा जब तक हमें भगवान बाल गोपाल देने थे तब तक मैं आपको कैद खाने के अंदर बंद करूंगा। महाराज बाल गोपाल के लिए आपको मैं हाथ की रेखा देख दिया हूँ और साथ भेद में मैं देखा हूँ, दोनों चीज के मिलाया हूँ, आपको जरूर आवाज बालक पैदा देगा। जल में सिंह सिपाही जी महाराज, ले जाओ पंडित जी महाराज को और कैद खाने के अंदर बंद करो। क्या कहे हैं? हमें कहे सातवां शादी करने के लिए और वो भी फूट फाट पे सोती होगी, जो लड़की वस्त्रहीन होगी यानी उसके बदन पे कपड़ा फटा होगा, जो भीख दुख मांग कर खाती होगी, बोलने का आम बोलने का इमली, ऐसी लड़की से हमें शादी करने के लिए बोले। महाराज आप सातवां शादी करेंगे, सातवीं महारानी आएंगी। अच्छा अगर उनसे कहीं एक भी बच्चा पैदा नहीं हो फिर क्या होगा? इसलिए तो मैं जुलमे सिंह तुमसे सलाह ले रहा हूँ, जो जब तक इस पंडित को कैद खाने के अंदर बंद करो उसके बाद मैं सातवां शादी करूंगा, अवश्य करूंगा मैं सातवां शादी, उससे बाल गोपाल ना हो जाए तब तक ए पंडित कैद खाने के अंदर बंद रहेगा। ठीक है महाराज, ठीक है आपका आदेश पान हो, ऐसा ही होगा। इस पंडित को ले जाओ द्वारपाल, द्वारपाल इन ब्राह्मण को हाथ बांधो और चल के कैद खाने में बंद करो। बांध के ले जाओ, चलो। जुलमी सिंह जी, हाँ बोलो। मैं आपको आज्ञा अनुसार पंडित जी महाराज को हाथ बांध दिया। हेलो और हाथ बांध के
इन्हें जाके मैं ले जाता हूँ पैखाना। सोचा अरे इन बेचारे 12 वर्ष पैखाना में कैसे रहेंगे रे? ये बताइए मैं बोलूंगा 6 महीना में इस साल हम तो मारते 1 महीना में। अरे मैं कहा कैद खाना कैद खाना। ओ आप कहे कैद खाना। हाँ हमको लगा कि जब आप कहते हैं जाके इनको पैखाना में बंद कर दो। ए भागे जाओ बंद करो। महाराज महाराज सोना सिंह जी ओ मालिक सोना सिंह आ रहे हैं महाराज आ रहे हैं। महाराज जन्मे सिंह उन पंडित जी को कैद खाने में मैं बंद किया। बंद किया? हाँ शाबाश। लेकिन एक सवाल। हेलो नगरे नगरे भटकू। जुलमे सिंह मैं बताता हूँ तुम चले जाओ हाजीपुर हो या मुजफ्फरपुर या समस्तीपुर। अच्छा वैसा ही लड़की हमें चाहिए जैसे कि पंडित जी हमें बताए थे। क्या बताए हैं? ये लड़की को बोलने नहीं आए चलने नहीं आए बोलने का आम बोलने का इमली जो फूट फाट पे सोती होगी भीख सुख मांग के खाती होगी वैसी लड़की हमें चाहिए। अनेकी गरीब से भी गरीब जो महागरीब हो है ऐसा व्यक्ति की ढूंढना है क्या?
उसी लड़की से मैं शादी करूंगा। ठीक है महाराज, लेकिन जुलमे सिंह मैं अपने मेहरानी लोग से तो विचार नहीं किया। महाराज सही आपका सोच है, अगर घर से बाहर लोगों देश विदेश की यात्रा करते हैं तो सामने एक भी मानव सृष्टि वाले इंसान नहीं मुलाकात होते हैं तो एक दीवार से भी विचार करके जाता है। जुलमे सिंह छह महरानियां हैं महल के अंदर, उन्हें बुलाया जाए। ठीक है, प्रणाम महाराज। खुश रहो जुलमे सिंह। ओ महारानी जी आइए। आइए आइए महारानी जी। Ah.